दुनिया पर मंडराया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। रूस ने अमेरिका से लड़ने के लिए तैयारी की पूरी। रूस में करीब 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहे पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हालिया कदम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी देशों में भी हलचल बढ़ गई है। यूक्रेन की ढाल बने पश्चिमी देशों के चलते मौजूदा युद्ध लंबा खिंच गया है। जहां एक ओर रूस अकेला युद्ध में लड़ रहा है, तो वहीं यूक्रेन के पीछे अमेरिका समेत नाटो देश झुंड में रूस पर हमलावर हैं। हाल में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों के रूस के अंदर तक इस्तेमाल की अटकलों के बाद से रूस भड़का हुआ है। रूसी राष्ट्रपति कई बार पश्चिमी देशों को मौजूदा युद्ध से दूर रहने की हिदायत दे चुके हैं, मगर रूस की सभी चेतावनियों और धमकियों को दरकिनार कर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में खुद पुतिन तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का अंदेशा जता चुके हैं। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने इसी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने देश की सेना के आकार को एक बार फिर बढ़ाने जा रहे हैं। पुतिन ने रूसी सैनिकों की संख्या में कई गुना इजाफा किए जाने का आदेश दिया है। पुतिन के नए आदेश के मुताबिक रूसी सेना में 1,80,000 सैनिकों की भर्ती होगी। इससे रूसी आर्मी में सक्रिय जवानों की संख्या 15 लाख हो जाएगी। ऐसे में एक्टिव सैनिकों के लिहाज से देखा जाए तो रूसी सेना चीन के बाद विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना हो जाएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के तहत इस इजाफे से रूस सक्रिय लड़ाकू सैनिकों की संख्या के मामले में अमेरिका और भारत से आगे निकल जाएगा और दूसरे स्थान पर आ जाएगा। बता दें कि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद ये तीसरी दफा है जब पुतिन ने अपने जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की है। दावा है कि रूस के इस नए फरमान से अमेरिका ही नहीं नाटो देशों की नींद भी उड़ गई है। क्रेमलिन की माने तो रूस में जवानों की संख्या बढ़ाने से कुल सैन्य कर्मी अब करीब 24 लाख हो जाएंगे। पुतिन ने रूसी सशस्त्र बलों की कुल संख्या को 23,80,000 करने का आदेश दिया है। इसमें 15 लाख सक्रिय सैनिक होंगे। रूसी सेना में शामिल होने वाले ये नए जवान दिसंबर से ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। एक्टिव सैनिकों के मामले में दुनिया भर के देशों में रूस से आगे अब सिर्फ चीन ही है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी रूस ने पछाड़ दिया है। चीन के पास करीब 20 लाख एक्टिव सैन्य कर्मी हैं। वहीं इस सूची में भारत के स्थान पर नजर दौड़ाई जाए तो भारत के पास करीब 14 लाख एक्टिव सैन्य जवान हैं। पुतिन के नए आदेश से जेलेंस्की के मंसूबों को भी बड़ा झटका लगा है। जहां यूक्रेन के सहयोगी अमेरिका समेत नाटो देश रूस को अलग थलग करने और तोड़ने में जुटे हैं, वहीं पुतिन झुकने की बजाय लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। पुतिन के इरादों से ये कहना मुश्किल लग रहा है कि रूस जंग को इतनी जल्दी खत्म करने के मूड में है। एक्टिव आर्मी की संख्या बढ़ाकर रूस पश्चिमी देशों पर अपना मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि रूस मौजूदा युद्ध को अभी और लंबा खींचना चाहता है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पोस्कोव ने बताया कि ये कदम पश्चिम की ओर से रूस के खिलाफ छेड़े जा रहे प्रॉक्सी वॉर का ही नतीजा है। रूस की सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। फिलहाल किसी नई लामबंदी की योजना नहीं है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि रूसी राष्ट्रपति के नए फरमान का आने वाले दिनों में जंगी मैदान पर क्या असर देखने को मिलेगा। लंबे खिंचते युद्ध से त्रस्त हो चुकी यूक्रेनी जनता के लिए भी ये खबर काफी डरावनी है।